ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, रितेश सिंह हियर. ओके, तो अचीवर्स आईसी अकेडमी की तरफ से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ. आज जो हुआ था हमारा एग्जामिनेशन, वो CGPSC का फॉरेस्ट रेंजर का हुआ था, और मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सबकी सिटिपिटी गुम कर दिया था. तो आज हम उसी का एक सीरीज लाए हुए जिसमें हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे विथ डिटेल. तो स्टे ट्यून्ड विथ अस और स्टार्ट करते हैं. आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ठोस घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है. इसे 4 बराबर भाग प्राप्त करने के लिए शीर्ष चेहरे के विकर्णों के साथ काटा गया है. प्रत्येक भाग की कुल सतह सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगी? इंग्लिश में इसको डिटेल करता हूं. अ सॉलिड क्यूब हैज अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर. इट इज कट्स अलोंग diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface of each part in centimeter square? तो इसको explain करने से पहले system को समझते किस तरह से काम करता है पूरे basics के साथ. तो step by step देखते हैं ताकि सबको समझ में आए पूरा clear. पहले बोला हुआ है ठोस घन, तो पहले तो एक घन बना लेते हैं. ये घन बन गया. मान लीजिए इसे बोला होगा सारे किनारे 6 सेंटीमीटर के हैं, तो यहां पे सब कुछ है ही मानो, भले ही ऊपर से बना हुआ है लेकिन इसको सबको क्या मानो, 6 मानो, 6 सेंटीमीटर ही मानिए सबको, 6 6 6 6. घन के सभी जो किनारे होते हैं सबके सब बराबर होते हैं. क्लियर है ये? उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है इसे 4 बराबर भाग प्राप्त करने के लिए शीर्ष के चेहरे. शीर्ष क्या है? शीर्ष है ये वाला पार्ट, ये है शीर्ष. इस शीर्ष के चेहरे को हमको 4 इक्वल पार्टें बांटना है. किसके अकॉर्डिंग? डायगोनल के अकॉर्डिंग, विकर्णों के अकॉर्डिंग बांटना है. तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए वापस उसको बनाता हूं. इसको डायगोनली मैं काटता हूं अगर, तो ये ऐसे कटेगा. तो यहां पे जो एरिया बनेगा इसका वो 4 इक्वल पार्ट्स में आएंगे, 4 के 4 इक्वल पार्ट्स में आएंगे. तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो यहीं पे ध्यान दें, यहीं पे क्वेश्चन सबको समझ में नहीं आया था. सिर्फ चेहरे के विकर्णों के साथ काटा गया है इसे 4 बराबर भागों में, तो 4 बराबर भागों में बट गया. ये यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, तो यहां पे छह. अगर हम इसका एरिया निकालते हैं इस भाग का, सिर्फ सिर्फ पार्ट का, तो 6 का 1 क्यूब का हमारा एरिया क्या होता है, या फिर 1 रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई. तो 6 और 6 36 हुआ. ये क्लियर था, ये एरिया है. अगर इसे 4 भागे बांटा गया है तो पार्ट 4 कर दो, तो इस एक भाग का, इस मात्र एक भाग का एरिया कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 एकम 4 नहीं 36, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां तक क्लियर है सबको? आगे देखते हैं. अब आगे क्या बोला हुआ है, प्रत्येक भाग की कुल सतह सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगी. अब यहीं पे किसी को समझ में आया ही नहीं क्वेश्चन, समझना इस बात को. यहां पे डायग्रामेटिकली सब कुछ समझना है. कैसे समझना देखना. कौन सा कलर लिया जाए, ये ठीक है. देखिए इसको डिटेल करना पड़ेगा, तो काफी कुछ खोलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ज्योग्राफी ये हमारा ज्योमेट्री है ये. तो हमारा जो ये वाला पार्ट था इसको बाहर निकाल दिया गया है. तो अगर हम इस पार्ट को बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा ये. मतलब कि हमने ये वाला पार्ट, वेट अ मिनट, ये वाला जो वैकेंट वाला पार्ट है इस पार्ट को बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, खींच के बाहर निकाल दिया. तो हमको इसका एरिया बताना है, इस पार्ट का एरिया बताना है, क्योंकि यहां पे जो हमने देखा था ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया. इस पार्ट को जब हमने बाहर निकाला तो ये मिला हमको. तो इसमें हमको क्या मिल रहा है इसको भी डिटेल करते हैं.
देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हमको एक ऊपर में ट्रायंगल मिल रहा है। अगर 3D व्यू में जाते हैं तो एकदम 3D व्यू नहीं बन पाएगा, लेकिन समझना ऊपर का जो एक है वह ट्रायंगल मिल रहा है, नीचे भी एक ट्रायंगल मिलेगा, और ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस वो ये वाला फेस रहेगा 666 वाला। तो पहले कैटेगराइज करते क्या क्या हमको मिला है एक्चुअल में। तो पहले ये वाला फेस मिला है हमको 66 वाला है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा देखिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नीचे वाला, ये दो ट्रायंगल नीचे का ऊपर मिला हुआ है हमको, और हमको ये फेस मिला है और पीछे भी एक और फेस मिला हुआ है सेम टू सेम, जिसमें इसकी हाइट कितनी है 6 है। लेकिन ये जो पार्ट मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी पे कंफ्यूज मत होना, मैं इसकी पार्ट इस बात की बात कर रहा हूं, ये जो काट के निकाले ना यहां से, इस पार्ट की बात कर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकल के आएगा, तो ये वाला पार्ट यहां पे आया, इसकी ये हाइट तो 6 है लेकिन ये वाली हाइट हमको पता नहीं है। तो हम वापस यहां पे आते हैं, यहां पे जब हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो है इसकी लेंथ 6 है, इसकी भी लेंथ 6 है, तो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं कि अगर हमको विकर्ण निकालना है तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करना होता है। तो लंब क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 6 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब कि हम ये निकाल रहे हैं, इन दोनों को निकाला स्क्वायर करके तो कितना आया 36 प्लस 36, कर्ण का स्क्वायर ही है तो अंडर रूट ले आते हैं 36 प्लस 36, कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा 72, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 72 को हम जब एलसीएम निकालेंगे कैसे, मैं स्टेप बाय स्टेप को क्लियर कर रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो, सब चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9 18, 2 3 3 और 3 1 ये आ गया, मतलब कि हमारा क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आया हमारा। तो इसको यहां पे जब हम रखेंगे अंडर रूट में तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आया हमारा, मतलब कि ये बाहर निकला 2, ये भी बाहर निकला, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट में क्या रह गया 1 2 रह गया, तो यहां पे बाहर क्या आया 6 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये हो गया विकर्ण की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई क्या हुई 6 अंडर रूट ऑफ 2। यहां तक पूरा क्लियर हो गया, आगे समझना, जब यहीं पे ये डायग्राम से क्लियर हो गया, अब वो मैथ्स गया जब आप किसी फॉर्मूला को रट के सॉल्यूशन करते थे, अब कोई ट्रिक काम नहीं आएगा, अब आपको पूरा समझना होगा, ये एडवांस मैथ्स है। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा आप कि हमको ये विकर्ण तो मिल गया, लेकिन क्या हमको ये विकर्ण चाहिए, हमको चाहिए ये, और इस विकर्ण का ये आधा ही होगा, यहां पर ये पूरे विकर्ण की लंबाई 6 अंडर रूट ऑफ 2 था, तो हमको इसका हाफ चाहिए, क्योंकि जब इसको हाफ कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यही तो चाहिए हमको ना, तो बस, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा क्या होगा हाफ 2 कर दो इसकी लंबाई, तो 6 अंडर रूट ऑफ 2 का हाफ कर दो तो 3, तो क्या आया 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, सॉरी 3 अंडर रूट ऑफ 2। यहां तक आया क्लियर, अब मैं वापस डायग्राम बनाता हूं ताकि आप समझ पाए। तो हमने जो निकाला हुआ है ये, जिसमें अंडर रूट 2 और 3 ऐसा था ये, और ये पार्ट था हमारा क्या 6 था पहला, दूसरा हमारा क्या था ये 6 और 6 वाला था, तीसरा हमारा पार्ट क्या था जिसको हम निकाल रहे थे वो था हमारा ये 6 वाला था, ये 3 अंडर रूट ऑफ 2 वाला था, हाँ या ना, ये क्लियर करते हैं, यहीं पे वापस आते हैं तो देखते हैं, यही ये थे, ये वाला 6 वाला हो गया, और 6 हमको ये नहीं पता था, ये निकाल लिया हम लोगों ने 3 अंडर रूट ऑफ 2 ये निकाल लिया। अब हमको सब कुछ नॉलेज हो गया तो हम क्या करना है, एरिया बस निकालना है, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया, दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। तो ले चेकआउट करते हैं, कहां गया हमारा ये, तो यहां पे हम देखते हैं ये ट्रायंगल कितना बना था, 2 बना था हमारा, 2 बना हुआ था हमारा, तो ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग एरिया निकाल देते हैं। यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास टोटल कितने एरिया थे, सॉरी टोटल कितने एरियाज थे हमारे पास, यहाँ पे जो देखिए
यहाँ पे आप एरिया निकालते हैं, इसका टोटल कितना आता है? 36 आता है, और चार इक्वल पार्टें बटा हुआ है, तो चार इक्वल पार्टें बांट दो, कितना हुआ? 9, 9 आया था इसका, बताया था मैंने, तो इसका एरिया क्या हुआ? 9, इसका भी एरिया क्या हुआ? 9, तो दो ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया हमारा, क्या आया हमारा? 9, इसका क्या निकल गया हमारा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल वाला काम खत्म, एक ही हमारा 18 हो गया ये। दूसरा देखिए ये वाला, इसका तो एक ही है ये हमारा फेस, तो 36 हो गया ये तो हमारा, इसका भी काम खत्म। मेन बात यहाँ पे आई, और ये एक ही फेस नहीं है, दो फेस है, एक सामने था एक पीछे था, एक सामने था एक पीछे था, तो इसका भी निकालिए। तो पहले एक का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ 2, 18 अंडर रूट ऑफ 2, ये एक का आया, हमारे पास दो फेस है तो दो हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 अंडर रूट ऑफ 2। ये तो हमारे पास कितने एरिया आ गए? एक ये एरिया आया, एक दो ये आया, तीन एरिया आया। अब तीनों को जोड़ दो, क्या क्या आया था हमारे पास? पहला एरिया हमारे पास आया था 18 को जोड़ दो, दूसरा हमारे पास क्या आया हुआ है 36 को जोड़ दो, तीसरा हमारे पास क्या आया है 36 अंडर रूट ऑफ 2 जोड़ दो, जोड़िए 8, 6, 4 आया 14, हाँ 14 आया, तो 4 का एक हासिल है 1, 3, 4, 5, 54 प्लस 36 अंडर रूट ऑफ 2, दिस आंसर। यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर आपका सेट बी आया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए है, बाकी भी सेट में सारे के सारे आंसर ए में ही आए हुए हैं। तो ये था डिटेल इसका आंसर, कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पॉज करके देखें, चेक करके देखें, अगर आप समझ में ना आए तो यू कैन मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप और यू कैन मैसेज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।